हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जान लगे आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्यूट। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए हैं। 30% टैक्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट 1 जुलाई से जो TDS एप्लीकेबल होने वाला है वो कैसे एप्लीकेबल होगा एंड कैसे आप लोगों ने उस पर पैसे देने, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ आजकल सामने आ रही है कि 28 जून को GST काउंसिल मीट है इन चंडीगढ़, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में अब GST भी लगना चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर ये देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है तो उनसे बच के रहना। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते एंड किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा। वर्ल्ड वाइड जहाँ पे हम बात करें, अगर दुबई की जहाँ पे हम बात करें, यूएस की, यूएस का क्रिप्टो बिल आया था वो कहीं ना कहीं इन सपोर्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी आया था। दुबई में हमने देखा है काफ़ी एक्सचेंजेस जो हैं जो अपने हेडक्वार्टर बना रहे हैं इन दुबई। येस, देयर आर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, देयर आर कंट्रीज लाइक वियतनाम, देयर आर कंट्रीज लाइक चाइना जो कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसी। इंडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल सारे टैक्सेस लगाने के बाद अभी तक ये बोला नहीं है अपने मुँह से कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है इंडिया में। That is one battle that is still going on. इसी के अलावा GST काउंसिल की एक अलग मीटिंग होने वाली है इन चंडीगढ़ ऑन 28 जून, जहां पे बोला जा रहा है कि क्रिप्टो में जो टैक्सेस लगे हैं 30% तो आपके प्रॉफिट में लगा, 1% जो TDS में लगा वो आप फाइल कर लोगे, वापस ले लोगे, उसके ऊपर क्रिप्टो में GST टैक्स लगना चाहिए एंड वो लगना चाहिए 28%, विच इज एक्चुअली दी हाइस्ट। ये बोला जा रहा है, ये बात हो रही है, ये इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा nobody knows in this meeting। 28 जून को वो मीटिंग है इन चंडीगढ़, आप लोग जाके वो न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। न्यूज़ का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू गाइस कैन गो एंड रीड अबाउट इट। 30% जब टैक्स लगा था इन प्रॉफिट, काफ़ी इंडियन इन्वेस्टर्स थे जो क्रिप्टो करेंसी से बाहर आ गए थे, वो ये बोल रहे थे यार प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें से 30% गवर्नमेंट को दें तो हमारे पास बचेगा क्या। आज की डेट में गवर्नमेंट ये बोलती है कि ठीक है 30% टैक्स अलग है, 1% TDS आप लोग दोगे ऑन द ट्रांजैक्शन दैट यू। अब ये 1% TDS के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए, काफ़ी चीज़ें अभी सामने आई है एंड क्या क्या वो चीज़ें हैं एक एक करके आपको हम बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, TDS जो आपका 1% कटेगा वो कट रहा है अभी ओनली इन इंडियन एक्सचेंजेस। इंडियन एक्सचेंजेस का सामने आया है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। सो ये बोलना कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में नहीं कटेगा कैन बी रॉन्ग। आगे जाके कोई न्यूज़ आती है फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस या डैप्स तो वो आपको हम बताएंगे, बट फिलहाल जो इंडियन एक्सचेंजेस है वहाँ पर आपका 1% TDS कटेगा, वो कैसे वो आपको हम बताते हैं। अगर कोई भी इंडियन एक्सचेंज जो भी आप यूज़ करते हो, सो फॉर एग्जांपल मैं ZappPay यूज़ करता हूँ, ZappPay में मैंने पैसे डाले, मैंने 10-20 हज़ार रुपये उसमें डाले, 20 हज़ार रुपये फॉर इंस्टेंस मैंने उसमें डाले। अब ZappPay की अलग एक फीस रहती है, ये हम सबको पता है, वो 7 रुपये काटता है, जितना भी आप पैसा डालो वो 7 रुपये ही काटता है। तो ये अभी वो हटा देते हैं, अभी ये मानते हैं वो 7 रुपये नहीं काट रहा। 1% TDS की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 20 हज़ार रुपये हमने ZappPay में डाले एंड हमने वहाँ पे जाके XRP परचेज कर लिया या कुछ और क्रिप्टो हमने परचेज कर लिया, पॉलीगॉनमेटिक हमने परचेज कर लिया 20 हज़ार का, उस टाइम में आपने कोई भी TDS आपका नहीं कटेगा। अगर आप इंडियन रुपीज से परचेज कर रहे हो, आपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करा इंडियन रुपी टू दी एक्सचेंज एंड वहाँ पे जाके आपने परचेज कर लिया, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, कोई भी इसमें ज़्यादा हाई फाई खिचड़ी कुछ भी नहीं है, आपने जाके वहाँ पे परचेज कर लिया आपको जो भी क्रिप्टो चाहिए, आपने वो होल्ड करके रखा हो, जब तक आप होल्ड करना चाहते हो, जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं बन जाता, वैसे ही नहीं बन रहा है, बट यस गवर्नमेंट जो है बोल रही है 1% TDS। तो जब आपको लगता है कि नहीं अब मैंने ये बेच देना चाहिए, पॉलीगॉनमैटिक इतने का हो गया, 50,000 रुपीज़ का हो गया 20,000 से, अज्यूम कर लेते हैं कि वो 50,000 रुपीज़ का हो गया, आप बोलते हो नहीं अब मैंने इसको सेल ऑफ कर देना है एंड ये पैसा मैं अपने बैंक अकाउंट में मांग रहा हूँ। तो जब आप सेल ऑफ करते हो 50,000 रुपीज़ में, उसमें लगेगा 1% TDS एंड बचा हुआ पैसा आप अपने अकाउंट में ला सकते हो। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपीज़ का, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट। अब इसमें एक और केस है जो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कस कर लेंगे कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर TDS वापस फाइल कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली TDS आप वापस फाइल कर सकते हो, ये पहले से होता आ रहा है, जो लोग टैक्स भर रहे होंगे उनको पता होगा कि TDS के थ्रू आप टैक्स फाइल कर सकते हो। अब वो सारी चीज़ें कैसे वो एकदम माइंड में बात करेंगे, बट अब सेकेंड सिनारियो में आ जाते हैं जहाँ पे आप पैसे नहीं डाल रहे हो, आप वहाँ पे आप क्रिप्टोस ले रहे हो एंड उसके फॉर एग्जांपल हमने किसी एक्सचेंज में पैसे डाले या INR डाले एंड वहाँ पे जाके हमने USDT परचेज करके हमने छोड़ दिया, हमने USDT परचेज करके छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद हमारा मन कहता है नहीं USDT नहीं रखते यार, इससे अच्छा हम मैटिक, अभी मैटिक चल रहा है, कार्डानो, जो भी आपको ठीक लगे वो परचेज कर लेते हैं।
तो आप जाते हो यूएसडीटी से, आप जब परचेस करते हो कार्डानो या यूएसडीटी से जब आप परचेस करते हो कोई भी एक्स वाई जेड क्रिप्टो जो भी आपको ठीक लगता है, उस परचेज में आपने पहले देना पड़ेगा 1% टैक्स। जो फर्स्ट केस सिनेरियो है जहां पे आपने आईएनआर ट्रांसफर करा था उसमें बाइंग में आपने कुछ नहीं देना है, बट यहां पे क्रिप्टो टू क्रिप्टो बाइंग में आपने पहले देना है 1% टीडीएस, एंड जब आप उसको सेल करोगे तब अगेन आपका 1% टीडीएस जाएगा। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो इंडियन रुपीज या किसी और क्रिप्टो में, वो तो मत ही करना, जब आप इंडियन रुपीज में उसको कन्वर्ट करोगे तो 1% टैक्स आपका एडिशनल जाएगा। सो 2% टीडीएस आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ऑन द फर्स्ट केस हमारा खाली 1% टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था। अब ओवरऑल देखा जाए तो टीडीएस इतनी बुरी चीज होती नहीं है। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि टीडीएस जमा करेंगे आप क्या करेंगे 1%, टीडीएस इतना बुरा नहीं होता है फॉर द ओवरऑल सिनेरियो। यस, आपका जो टीडीएस वापस फाइलिंग का केस होता है वो होता है एक साल के बाद। अगर आपका टैक्स जो जितना भी डिपॉजिट होना है वो पहले आपका टीडीएस से, आपका सीए बोलेगा कि नहीं हाँ वो टीडीएस से चला गया, उतना आपका रिफंड बचा है, तो आप रिफंड फाइल करके उतना पैसा वापस, एक्स्ट्रा अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप वापस फाइल कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर सिनारियो उल्टा होता है कि आपका टीडीएस कम डिपॉजिट है और आपने टैक्स ज्यादा देना है, तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, आप ज्यादा पैसे दे दो वहां पर टैक्स में, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो। टीडीएस जो कट रहा है उससे इतना ज्यादा इशू मुझे पर्सनली नहीं है, बिकॉज आई नो कि फाइनेंशियल ईयर एंड में वो वापस आ जाता है। अगर कोई हमें इतना ज्यादा ह्यूज मार्जिन में प्रॉफिट नहीं हुआ या इतना ज्यादा टैक्स हमने नहीं पे करना है तो वो घूम फिर के वापस आ जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टर्स, जो इंडियन इन्वेस्टर है वो यस 30% जब टैक्स लगा था ऑन द प्रॉफिट दी में तभी काफी कम हो गए थे। हमने देखा था कि जो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे वो काफी कम हो गए थे। यस, वो एक मोमेंटम पकड़ा था आफ्टर अ वाइल, एंड उसमें काफी लोग वापस एंटर कर रहे थे इन क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट नीचे जा रही थी, काफी लोग परचेजेस कर रहे थे, काफी लोग बाइस कर रहे थे। बट आज के डेट में जहाँ पे 1% टीडीएस लगा है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो ज्यादा इफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिनारियो बताया कि वो आपका टैक्स में कहीं ना कहीं आप बैलेंस आउट कर लेते हो अपना टीडीएस। अगर आप लोग पहले से टैक्स फाइल करते आ रहे हो तो आपको पता होगा वो बैलेंस आउट हो जाता है टीडीएस, एंड अगर ज्यादा टीडीएस जमा हो गया है तो वो वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर कम हुआ है तो वो टीडीएस से आप एडजस्ट करके थोड़े और पैसे आप भेज सकते हो। एंड मुझे इसीलिए टीडीएस में इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा है, बट यस आई एम कंसर्न्ड अबाउट द मीटिंग ऑन 28th of June जो होने वाली है ऑफ जीएसटी काउंसिल। अगर ये बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में 30% तो प्रॉफिट में अलग एंड 1% टीडीएस अलग एंड उसके अलावा जीएसटी आप दो हमें, दैट कैन बी एन इशू, दैट विल बी अ मेजर इशू। अब उसमें क्या होगा, उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी को नहीं छुएंगे, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी लिक्विडेटिंग देयर क्रिप्टो। आज की डेट में वैसे ही लॉस चल रहा है, एंड गवर्नमेंट शुड सी ऑल दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं जहां पे लॉस चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट नीचे आई है, आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो, 30% टैक्स चलो हमने मान लिया प्रॉफिट में आप ले रहे हो, वेरी एंड गुड। आपने 1% टीडीएस की बात करी, नो इश्यूज। अब ये न्यूज सामने आ रही है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी लगाने को तैयार बैठी है इन क्रिप्टो करेंसी। ये सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है। आप लोग बताओ आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस है अबाउट दी टैक्सेस इन इंडिया ऑन क्रिप्टो करेंसी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। विद दैट सेट गाइज, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।